एक मिनट मेरे पास आ जाइए, मैं आपको दिखता हूँ। ये काम कर रहे बच्चे, अपना काम बना रहे बच्चे। चार पांच वाले तीन डॉक्टर। वाह क्या बात है, बना रहे हैं। देखिए ये बच्चों की कितनी अच्छी डिजाइनिंग है, कितनी सुंदर, अच्छा बना रहे हैं। और इसमें मैं अचानक से कवरेज करने घुसा, इसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं। देखिए गलत मैसेज मत करिएगा, ये उत्तर प्रदेश का है। एक मिनट, आज शनिवार है, शनिवार भी है। और आप हेडमास्टर हैं? मैं प्रभारी हूं। प्रभारी हुआ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पीछे घुमाइए, थोड़ा सा पीछे। इस चीज को देखिए, बच्चों को किस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कौन सा क्षेत्र है सर? ये मणियाओं ग्राम सहजरा का इतना बढ़िया ये चीज जो बनाया गया है, डिजाइन जो बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका होता है, शिक्षकों का जो अपना एक अनुभव होता है पढ़ाने का, वो बहुत बढ़िया है। पेड़ पौधे किस तरीके से बढ़ते हैं, धीरे धीरे अंकुरित होते हैं, वो प्रक्रिया यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे है ये कि इसमें एक कोई सामान इसमें भी डाली, इसमें डाली, उसका जोड़ कितना हो रहा है वो। हाँ वो चीज ठीक है। तो ये थोड़ा हमें हैंडल कर रहे हैं, इधर आइए, आप हेल्प करेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी में साप्ताहिक जो नाम है, जो चीज़ है वो चीज़ आपको यहाँ उत्तर प्रदेश के हर दीवारों पे देखने को मिलेगा यहाँ। और यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये सर क्या है, ये बच्चों के लिए कॉपी ओपी है ना? ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बच्चों को पढ़ने के लिए खोल सकते हैं, रिक्वेस्ट है। देख आप लोग देख लेंगे कि हमारे क्षेत्र में कैसे पढ़ाते हैं। चाबी जो है हमको अच्छा। पता दिन वाली थी ना, तो उस बीच में चाबी जो है सर वो हमारे चोरी हुई थी, चोरी में चाबी सर इधर उधर हो गई, चाबी मैंने बनवाया है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये और यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, अंग्रेजी के जो रिक्वायर्ड है, विटामिन के चार्ट हैं, क्या क्या हेल्दी है खाने के लिए, खाने थोड़ा से पीछे करिए इस चीज़ को, ये खाने के लिए जो चीज़ हेल्दी है वो चीज़ यहाँ पे नोटिस किया गया है। क्योंकि बच्चों को जानकारी के लिए यहाँ पर सौर मंडल का, नौ ग्रहों का यहाँ हिसाब किताब दिखाया गया है। ये चीज़ को यहाँ पे हर दीवारों पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की तालिका देख लीजिए, यहाँ की तालिका है, दक्षताएँ जो भी है यहाँ पर, मानक वो सब चीज यहाँ पे बताया गया है संचालन प्रक्रिया में। और यहाँ पे जो खेलने कूदने के लिए है, और यहाँ पर बच्चों को 1, 2, 3, 4, 10 तक यहाँ पर चप्पल दिया गया है यहाँ पर करने के लिए, ये चीज को देख सकते हैं यहाँ पर कवरेज में। और बहुत सुंदर प्रक्रिया है यहाँ आयत का भी सब कुछ पूरी तरीके से बढ़िया से बताया गया है, एकदम कायदे से दीवारों में। उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो पढ़ाने का प्रक्रिया होता है, पढ़ाने का जरिया होता है, मानक जो होता है, मानक से कहीं अच्छा ये चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिला है अचानक, जबकि मैंने अचानक यहाँ पर आया और ये चीज़ को देखा। इस चीज़ पे क्या नाम है बेटा? अंशिता तिवारी। ये आपने बनाया? सब ने मिला है, सब ने मिलकर बनाया। कौन सी क्लास में हो? फाइव में। सारी नहीं, ये थ्री में है और ये फोर में। फाइव। हाँ। तो देख सकते हैं कितनी सुंदरता के साथ बच्चे बढ़िया तरीके से यहाँ पर डिजाइन भी कर रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे लिख रहे हैं, वो भी चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए थोड़ा सी चीज को दिखाइए, बच्चे अपने अपने काम में बराबर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये भी मैं अचानक भी आया हूँ, लेकिन फिर भी एक बात देखने को है कि सबसे जो चीज देखने को है यहाँ पर, अपने अपने कॉपी पे देख सकते हैं कि बच्चे एकदम लगे पड़े हैं, बहुत ही अच्छा हिसाब किताब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए थोड़ा सी इस चीज़ को भी दिखाते हैं, जमातन का प्रक्रिया यहाँ पर, जल वगैरह का, कितने शिक्षा में तो क्या हिसाब किताब है यहाँ पर, टोटल तालिकाओं में देख सकते हैं। मध्यान्ह भोजन को यहाँ पर, मध्यान्ह भोजन का हिसाब किताब यहाँ पर देख सकते हैं, मध्यान्ह भोजन पे योजना का जो गवर्नमेंट का, थोड़ा सा पीछे होकर कवरेज करिए, जो भी है यहाँ पर तालिका देख सकते हैं, साप्ताहिक तालिका यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने का प्रक्रिया। और बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रधानाध्यापक का कक्ष भी है यहाँ पर, और ये प्रधानाध्यापक जी का कक्ष है। आओ बच्चे थोड़ा दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? हेलो, गुड आफ्टरनून, बोलिए। तो हाँ यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर बैठे पड़े हैं अपने हिसाब किताब में, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हाल में आपको बता दें, अभी ये रेशत का बच्चे का खेले कूदे और फिलहाल शनिवार था, ये बच्चे फिलहाल जहाँ पे देख रहे हैं हम पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में है इस समय। और बोर्डों पे देख सकते हैं यहाँ पर किताबों की जो यहाँ पे तालिका देख सकते हैं, हमारे हिसाब से ये सब चीज़ें देखो, हमारे हिसाब से साप्ताहिक प्रक्रिया में है ना सर, ये जो ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से है।
जो साप्ताहिक प्रक्रिया लेने का है, बच्चों से एग्जाम करने का है, बच्चे किस तरीके से अपने आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर कच्चा तीन का ये चीजें इसमें है सर, आप जी ये चीज देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी है ग्राफ के द्वारा खाने पीने की प्रक्रियाएं जो है हमारे जीवन शैली में चलती रहती है, उस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर चढ़ाई है सेंटीमीटर का, जो मिली सेंटी डेसीग्राम देखा है तो किलो, ये सब यहाँ पे मापक दिया गया है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण का जो तारीखा है इस चीज पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको चाहता हूँ ज्यादा उठा नहीं सकता क्योंकि हल्का है ये, ठीक है। ये चीज दिखा रहे हैं, एक मिनट इधर दिखाइए, कितनी सुंदर, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे चाहें तो बिना किताब के भी पढ़ सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पर। और एक एक चीज है साफ, एकदम क्लियरली साफ तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, ककारा जो है अंग्रेजी हिंदी का, ये साफ लिखा गया है, जिससे बच्चे अपने वर्ड से वर्ड शब्द से शब्द जोड़कर आगे की तरफ बढ़ सके और सामने वाले को अपना उत्तर दे सके। यहाँ पर राशि पक्षियों का, और यहाँ पर हमारी ज्ञान इंद्रिया जो शरीर के पांच यहाँ पे दिखाए गए हैं, जीव आँख है, पंजा है, कान है, नाक है, यहाँ पर सब चीज यहाँ को दर्शाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कविताएं भी लिखी गई हैं बोर्डो पर, कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ये चीजें देखिए, और यहाँ पर इस चीज को देखिए, खत्म हो गया प्रेरणा, हाँ प्रेरणा वाला, तो ये चीज है यहाँ पर ब्लैक बोर्डो पे, यहाँ काउंटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, गिनती का पूरा जो है, जो कुछ पढ़ाना है ब्लैक बोर्ड पे सीधा चार दीवार के किसी भी तरफ, अगर बच्चा गलती से भी अध्यापक के निगरानी में है, अगर सामने ना देख कर पीछे की तरफ देखता है तो भी यहाँ ज्ञान देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ शब्दों का प्रयोग उसके दिमाग में भरेगा, जिससे बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे लिखेंगे और जानकारी रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का, ये बहुत ही सुंदर नजारा है। यहाँ पर दीवारों पे देख सकते हैं कि दीवार यहाँ पर बोर्ड पे भी सब कुछ लिखा गया है यहाँ पर, और ये कविता है यहाँ पर, और बाकी ये, और यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ दीवारों पर लिखा गया है ककारा वगैरह चारों तरफ एक तरफ, मतलब कि किसी भी एंगल में अगर बच्चा गर्दन भी घुमाए तो भी यहाँ पे देखने को एक शिक्षा बहुत ही सुंदर मिलेगा। बच्चे किसी भी एंगल में घूमेंगे तो उनको पढ़ने के सिवा और कुछ ही नजर नहीं आएगा। इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज से जितने भी देख सकते हैं यहाँ पर इधर इधर और कैसे बाबू ठीक हो, आंगनवाड़ी के नाम बोलो, नाम क्या है, नाम बोलो सगुन। तो बच्चे कितने प्यारे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और ये और इधर भी दिखाइए। ये है कि हम कोई बखान करने की बात नहीं है, जो है आपको स्क्रीन के सामने है और बिना परमिशन के भी मैं आया हूँ, तो इस चीज को उसके बावजूद भी देख सकते हैं कितनी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। आप में क्या है, शिक्षा मित्र है मैं यहाँ की, अच्छा शिक्षा मित्र है, आप ही पढ़ाते हैं बच्चों को, अच्छा एक कौन सा क्लास, क्लास वन है बच्चे, हिंदी पूछू बताओ, हाँ हाँ पूछिए, एक से दस तक बताइए, तो देखिए ये एक का बच्चा है, वो भी सरकारी है, किसी प्राइवेट से कम भी नहीं है ये, और इसके अंदर इसका हृदय जो है ना धड़क रहा है, इस समय बताने की स्थिति भी नहीं है, ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ
फिर भी मैंने 10 तक से पूछा, 1 से लेके 10 तक, लेकिन वो बिना बताए आगे की तरफ बच्चा बढ़ गया। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं अचानक आगे, तो हमारे हार्ट की जो बाइट होती है वो कंपन करने लगती है, उस चीज़ में जो चीज़ दिमाग में होता है वो भूल जाती है, उस चीज़ में ये होता है। लेकिन बच्चा इतना बढ़िया बताया, पूछो मत, ए बी सी डी पता है बाबा, ए बी सी डी बता दो, क्या नाम है? गुड, शाबाश। तो दोनों बच्चे अच्छे हैं, जो भी है मतलब दो ज्यादा ठीक है, ये हिसाब से पढ़ाना चाहिए, पढ़ा लीजिए, ये बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चा पढ़ लेगा, सारा पढ़ लेगा, पढ़ लेगा, चाहे अच्छा ही है। बताओ जी, एक किताब निकाल दो, निकाल दे दो मैडम, एक किताब निकाल, ऐसा पूछ लीजिए, बच्चे पढ़ लेंगे, पढ़ो इसको, पढ़ो ये, पढ़ लो, दे एक मिनट, आओ बेटा, जाओ पढ़ के बताओ, पढ़ दो फटाफट, पढ़ दो। बीच में से पूछ लीजिए सर, हाथ लगा के, बीच में से हाथ लगा के पूछ लीजिए। राधा घर की ओर चली, काले बाल क्या बोलूं, बस इतना ही। तो देख सकते हैं नहीं, ये चीज को आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पूछा, फिर मैंने पूछा कि कहीं नीचे हो सकता है याद है, लेकिन ये जो प्रक्रिया हो सकता है याद की प्रक्रिया में होता है कि याद होता है बता दे, लेकिन नीचे वाली जो लाइन हमने पूछी वो बच्चा अपने आप बता दे, इससे पता ये चलता है कि बच्चे जो है पढ़े लिखे है। यहाँ पर एक का बच्चा है, सिर्फ एक का बच्चा जो पूरी अच्छी तरीके से एक कविता को कैसे कह दे रहा है। लोग कहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, क्या नहीं होती, यहाँ पर नए उम्र के जो नौजवान शिक्षक हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये प्रधानाध्यापक है आप ना, तो प्रधानाध्यापक प्रभारी, प्रभारी सॉरी प्रभारी जी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रक्रिया है यहाँ पर पढ़ने पठन पाठन का जो प्रक्रिया है, बच्चे इतनी अच्छी तरीके से, जितने भी जिस बच्चे से भी मैंने पूछा बहुत ही अच्छी तरीके से सवालों का जवाब दिया है। और एक बार कैमरे को चारों तरफ घुमा दीजिए, इस चीज़ को देख लीजिए, आप सभी कहोगे कि यहाँ की तारीफ कर रहे हैं या पैसे ले लिए या कुछ किए, यहाँ आप कैमरे में देख सकते हैं, मैम से थोड़ा सा बात हो गया, लेकिन हमें पूछकर फिर भी आना चाहिए था इस चीज़ को, लेकिन बिना पूछे आए, लेकिन उस प्रक्रिया में बहुत ही सुंदर देखने को मिला है, ये पहली बार एक ऐसा चीज हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर बच्चे यहाँ पे बता भी रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं चार पाँच की क्लास, उसमें भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अचानक आने के बाद भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ने से भी मतलब होता है, ये बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आइए देखिए, ये हमारे यूपी का है, कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई है, और जितने भी बच्चे हैं अध्यापक भी हैं यहाँ पर साथ में हैं, यहाँ पर वाह क्या बात है, यहाँ पर देखिए जो जीके होता है हमारे जीवन में, जो जनरल नॉलेज होता है सामान्य ज्ञान, उस चीज़ को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं, और साफ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर तारीख वगैरह जो भी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पक्षी, उत्तर प्रदेश का वृक्ष, उत्तर प्रदेश का फूल, उत्तर प्रदेश का पशु, उत्तर प्रदेश का खेल, उत्तर प्रदेश की जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश के में कितने मंडल है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट भी यहाँ बताई गई है, उत्तर प्रदेश जो राजनीति से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट भी बताई गई, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की स्थापना, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्वेश्चन, उसके बाद आंसर, क्वेश्चन आंसर, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी मतलब जितनी भी जिले हैं, जितने भी जीके हो गए नॉलेज जो बच्चों को बताना चाहिए, उससे कितने कितने क्लास के बच्चों, चार तीन, आप सभी हो हैं, चार पांच, तो इधर चार है इधर पांच, मिक्स है, लेकिन एक किताब पढ़ाते हैं तो आपके साथ दूसरों के लिए फायदा के लिए, इसलिए दोनों को मिक्स बनाए हैं, एक चार एक पाँच, ऐसे जिसे हिंदी पढ़ाया जा रहा है तो दोनों बच्चे एक साथ पढ़ सके, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे पढ़े और एक बच्चे बैठे रहे, ये अच्छी बात नहीं, नहीं नहीं, दोनों को एक साथ सीखने को मिलेगा, इसलिए ऐसा बैठा जाए। देखो गुरु का जो वर्णन किया गया है कि गुरु पिता के बाद अगर कोई है तो वो गुरु होते हैं, और गुरु का जो मैं अचानक आया था यहाँ पर, गुरु का जो उत्तरदायित्व होता है
वो गुरु का उत्तरदायित्व से कहीं ज्यादा ही अपना यहाँ पर उत्तरदायित्व निभाते हुए हम ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं। जबकि मैं यहाँ पर अचानक आया हूँ, जो लोग कहते हैं कि सरकारी यहाँ पे स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 और 5 के बच्चे हैं, उनको जो शिक्षा जो नॉलेज देना चाहिए हमें हमारे जीवन में उत्तर रही है उसकी भी यहाँ पर जानकारियाँ दी जा रही है। उसके बाद शिक्षा से संबंधित है यहाँ पर भी बच्चों को यहाँ पर देख सकते हैं। पढ़ सकते हो बाबू? हाँ कुछ पढ़ दो, यहीं से पढ़ के दिखा दो। इतना भाई मैं दरवाजे के पास रूई का ढेर लगा दिया। रूई के ढेर के पास ही एक पतीला में दूध भरकर रख दिया। खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद बिरबल अपने कमरे में बाहर जाकर बैठ गए। ये भी सीडी पूरा बता दोगे? हाँ। दादा के बता दो। एक पोयम याद है कुछ? हाँ। पोयम बता दो। आंधियां जोर जोर से डाल टूटे, जोर से उड़ा हौसला अंडे फूटे, किसी दुखी बात कह दिए बेटी के कार, हमने बोला अलमारी को बुला रही है बेचारे, घर में तो नहीं रहेंगे बेटी के कार, हमने खोल। चलो कोई बात नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। हाँ देखिए इस चीज को देख लीजिए आप सभी, और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। हाँ गुड, शाबाश। तो बच्चे देख सकते हैं किस तरीके से हैं, और यहाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं बाबू। कोई हम पता है पढ़ ले, पढ़ बता दो ऊपर का। गुड, ताबा बेटा। तो इस चीज को देख सकते हैं कि जो पढ़ने की प्रक्रिया है हमारे मस्तिष्क के, जो पढ़ाते हैं सर कि लेयर का बच्चा है भी अचानक आए हैं, थोड़ा सा बताने में हिचकिचा रहा है, लेकिन हाँ जो बताने की प्रक्रिया है पहले कैमरे के सामने बहुत ही अच्छी नॉलेज दे रहा है। क्योंकि ये नए व्यक्ति को भी किसी 10-20-50 के बीच में रख दिया जाए तो उससे बोली नहीं आती, लेकिन यहाँ पर बच्चे हैं सवालों का जवाब बराबर दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है जो यहाँ पे जवाब देने के लिए राजी नहीं। कुछ बता सकते हैं बाबू यहाँ पर? एक लाइन ऊपर खाली पढ़ दो, पढ़ दो। ये महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाराज युधिष्ठिर के लिए युद्धा से भरा समय था। बस रहने दो, रुक जाओ। तो इस चीज को देख सकते हैं कि बच्चा हिचकिचा रहा है बताने में, पढ़ रहा है लेकिन हिचकिचा रहा है कि कहीं दिक्कत है थोड़ा सा, हो रहा है डर सा लग रहा है बच्चों को। इस चीज के देखो इस चीज दिवाले हैं, और इस चीज को इधर भी देख सकते हैं, जो बुके किताबें वगैरह जो है यहाँ पर जो थोड़ा बहुत किताबें यहाँ रखी गई हैं उस तरफ दीवारों पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे जो बनाए हुए हैं कला वकृति वगैरह यहाँ पर चिपका वगैरह दिए हैं, और यहाँ पर क्लास का जो बेसिक ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी है स्टेटमेंट है यहाँ पर जो दिया है, क्लास 5 और 4 का। और उस तरफ दिखाइए कैमरा, उस तरफ देख सकते हैं कि जो फल से सब्जी से संबंधित है वो चीज को देख सकते हैं। चलिए आइए थोड़ा आगे दिखाते हैं, चलिए बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, बहुत ही सुंदर नजारा है। ठीक है इस चीज को देखने का वो चीज हमारे हिसाब से सब ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कोई वो नहीं है। फिलहाल ये कवरेज आपको देखकर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का, मैं अचानक भी आया था लेकिन यहाँ पे जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वो चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली। फिलहाल जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़ से मनीष कुमार के साथ देख रहे हैं लाइव कवरेज, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहें जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद जय भारत।